फ्रेंड आज है मेरे पास डीलिंग कंपनी की 300 MB तक की सबसे बेस्ट राउटर, जो कि आपको लगभग आजकल घरों में हर एक घरों में लोग वाईफाई लगवा रहे हैं, बट आपको उसमें भी बहुत प्रकार के राउटर आ रहे हैं वाईफाई राउटर, जो कि अलग अलग कंपनी की डीलिंग हो, टीपी लिंक हो, टेंडा या फिर डिजिसोल। अगर आप सबसे बेस्ट अगर लेना चाहते हैं 300 MB तक, जो कि आपका स्पीड काफ़ी अच्छा खासा 300 MB तक स्पीड होता है, अगर उसके लिए आप राउटर लेना चाहते हैं तो ये राउटर आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसका आप सारा मतलब इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, मतलब इसको आपको क्यों परचेज करेंगे, क्यों नहीं आप अलग कंपनी के परचेज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस हम राउटर के बारे में। सबसे पहले इसे हम ओपन करके आपको दिखाएंगे कि इसमें आपको मिला है क्या क्या मिला हुआ है। तो यहाँ से हम करते हैं ओपन और देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर में आपको एक जो कि मैनुअल मिल चुका है और जो मेन यूनिट आपका राउटर दिख रहा है यहाँ पे कुछ इस प्रकार। आपको अगर एंटीना की बात करें तो इसमें आपको 4 एंटीना मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रेंज भी आपको बताएंगे कितने रेंज आपको इसमें मिला। और भी इसमें जो कि एक इथरनेट केबल मिल जाता है, 1 मीटर लेंथ आपकी मिल जाती है, और अंदर में आपको एक पावर अडेप्टर केबल मिल जाता है। तो चलिए हम अडेप्टर को और ये इथरनेट केबल को थोड़ा सा करते हैं साइड और हम बात करते हैं इस हम राउटर के बारे में। तो कोई भी आदमी जब राउटर को परचेस करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले आता है कि उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा रहना चाहिए। तो आपको बता दें इसका जो स्ट्रेंथ है, अगर आप एक प्लेस पे अगर रखे हुए हैं तो आपका लगभग 4000 स्क्वायर फीट तक ये राउटर जो है आपको कवर कर लेगा सिग्नल को। काफ़ी अच्छा खासा सिग्नल है, मुझे नहीं लगता कि अगर डीलिंग पे कोई और भी अगर आप राउटर लेते हैं तो इतना बढ़िया आपको सिग्नल मिल जाएगा। सिग्नल के मामले में काफ़ी बेस्ट आपका सिग्नल मिल जाता है। अब हम बात करते हैं जो कि इसका स्पीड जो है 300 MB तक आपका इसमें अप टू 300 MB तक स्पीड आपका मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा 300 MB तक आपका स्पीड मिल जाता है। पीछे में आपको 3 लैन पोर्ट मिल जाते हैं, 1 आपको वैन पोर्ट मिल जाता है, 1 आपको यहाँ पे पावर की बटन मिल जाती है, और 1 आपको इसमें पावर सप्लाई के लिए जो कि आपको अडेप्टर मिला हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पे दे रखा है। आप सबसे लेफ्ट साइड में आपको WPS और रीसेट की बटन मिल जाती है। रीसेट आपको करना है, एक छोटी सी पिन ले लीजिए, पिन को आपको 3 सेकंड तक इसमें पुट करके रखना है, फिर आप हटाइए आपका पूरा राउटर रीसेट हो जाएगा, सारा एडमिन पासवर्ड जो भी वगैरह है सारा कुछ मतलब आपका रीसेट हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे जो कि पासवर्ड होता क्या है। तो पासवर्ड आपका एडमिन है, और लॉगिन पासवर्ड आपको बता रहे हैं एडमिन है, और पासवर्ड भी आपका एडमिन है, यूज़र नेम और एडमिन और पासवर्ड आपका एडमिन आपके इसमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, मतलब जैसे कोई भी आपका राउटर है, अगर राउटर से आप इसको आप अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक राउटर आपके घर में लगा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके घरों में सिग्नल नहीं जा रहा है, थोड़ा दूसरे घर में आपको सिग्नल अच्छा खासा ले जाना है, तो इस राउटर को भी आप अच्छे से इस्तेमाल में ला सकते हैं। कुछ करना नहीं है, सिंपली आपका जो पुराना वाला राउटर है, पुराने वाले राउटर के लैन पोर्ट में एक जो इथरनेट केबल मिला हुआ है, हालांकि ये तो केबल बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, बट मार्केट में बहुत सारे केबल आते हैं 17 रुपये 15 रुपये से लेकर 30-40 रुपये तक, जो कि आपको जो मतलब केबल लेना है इथरनेट केबल लैन केबल वो आप ले सकते हैं, और वो केबल फर्स्ट राउटर में लैन पोर्ट में और इस वाले राउटर में आपको वैन पोर्ट में ला के कनेक्ट कर देना है, फिर आपका इसमें भी जो कि डेटा वाला मतलब इंटरनेट आपका चालू हो जाएगा। अब जैसे इसमें पावर सप्लाई देंगे ऊपर में आपका ब्लू कलर की लाइट जलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा खासा इसमें आपको देखने में भी लगेगा। ऊपर में आपको पावर की इंडिकेटर और वैन की इंडिकेटर, लैन की इंडिकेटर, वाईफाई और WPS। आपको WPS से कनेक्ट करने के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है, ऊपर में आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा कैसे WPS से बिना पासवर्ड के आपको कनेक्ट किया जाता है, तो वो भी वीडियो आप जाके कनेक्ट कर सकते देख सकते हैं। फ्रेंड ये रहा मेरा जो कि डीलिंग का राउटर, जो कि आपको बता दें कोई भी मतलब जब ये आप परचेज करेंगे तो सिग्नल के मामले में कभी आपको ये मतलब मन में शंके नहीं रहेंगे कि आपका जो ये सिग्नल है काफ़ी कम है, सिग्नल इसका काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। फ्रेंड ये रहा मेरा आज का वीडियो, जो कि डीलिंग का राउटर आपको मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना है मुझे आप कमेंट सेक्शन में करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से जाकर मुझसे आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।